तो फाइनली जिसका वेट हम कर रहे थे वो मेहमान आ गया है। आप गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी मॉर्निंग से ही कर रही हूँ, तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कपड़े वॉश करने के लिए लगा लिए हैं जो कि हो गए हैं। अब मुझे उनको छत पे जाना है और सुखाने के लिए डालना है। तो आपको एक बात बताना भी चाहूँगी कि मैं आज हमारे वहाँ कोई आने वाला है मेहमान। कौन आने वाला है वो सरप्राइज़ है, क्योंकि मैंने आयांश को अभी तक बताया नहीं है कि कौन आने वाला है, और उसके साथ साथ आपके लिए भी सरप्राइज़ है। तो आई थिंक एक घंटे के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड गए हैं लेने के लिए स्टेशन पे। तो मैंने अभी हस्बैंड को फ़ोन किया था तो वहाँ से वो निकल गए हैं, अभी आने ही वाले हैं। तो मैं भी मॉर्निंग पर जल्दी उठ गई हूँ आज और कपड़े वॉश कर लिए थे, तो उनको डाल के आती हूँ। उसके बाद अगर आ जाते हैं तो आपसे मिलाती हूँ। तो चलिए तब तक बनिए रहे आप ब्लॉग पे। तो चलिए कामों में लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बाल्टी कपड़े धो रखे हैं, आप देख सकते हैं, जिन्हें मैं डालने जा रही हूँ छत पे। मैं अभी छत से कपड़े डाल के आ गई हूँ और ये लोग अभी तक नहीं आए हैं, देखती हूँ कहाँ रह गए हैं। और आयांश यहाँ पे खेलों में लगा हुआ है। आयांश इधर आओ, पूरा बिस्तर तहस नहस कर दिया बेटा आपने। क्या देखिए आयांश की मस्ती, कितना मस्ती करने में लगा है, और इसे पता नहीं है कि कौन आने वाला है। मैंने इसको अभी तक कुछ नहीं बता रखा है, इसे पता है कि पापा बाहर गए हैं, ड्यूटी गए हैं, ये नहीं पता है कि पापा मेहमान को लेने गए हैं। तो मैंने अभी तक इसके लिए सरप्राइज रखा हुआ है और अभी तक ये लोग आए नहीं हैं, तो मैं कर लेती हूँ। तब तक थोड़ा मेरा काम बचा हुआ है, उन्हें मैं पूरा कर लेती हूँ। तो फाइनली जिसका वेट हम कर रहे थे वो मेहमान आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आयांश कौन आया है दिखाइए। तो आयांश की मौसी यहाँ पे आ रखी है, और आयांश इतना खुश हो गया ना जब ये अनी आई, तो आयांश इतना खुश हुआ है आसिमा को देखकर। बहुत ज़्यादा सरप्राइज रखा था हमने आयांश के लिए, क्योंकि अनी बोल रही थी कि मैं आऊँगी तो आयांश को बताना मत और आके सरप्राइज दूंगी। तो मैंने इसको बताया नहीं था, ना इसके पापा ने बताया था और ना मैंने बताया था। तो ये आयांश आपकी आसिमा कैसी है? बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। तो गाइस ये मुझसे ज़्यादा अपनी आसिमा को ही अच्छा मानता है, बचपन से ही इसके साथ इतना अटैच है ये, मतलब इसी को ही ज़्यादा अच्छा मानता है। तो इसे अन्नी आई एकदम, तो एकदम इसे सरप्राइज दिया था, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो आप देख सकते हैं आयांश इतना, मतलब जब से आ रखा है तब से अन्नी के साथ ही है, मेरा पेरेंट्स से बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा। माँ मेरे बहुत सारे सामान लाके दिखाता, क्या है ये? ये है चिप्स और ये है केक। अच्छा अब ये इसे लगा के टॉप पे, ये गाइस ये देखो मेरी गाड़ी लाया, ऐसे टूट जाएगी बेटा। आपके पास कितनी गाड़ियां हो गई बर्थडे में, आपको कितनी गाड़ियां मिली हुई थी? अभी आपको चला के दिखाऊं गाइस, देखना भी ये देखो, ये तो बन गया वाला है ना गाइस। अभी देखना इसकी स्मोक टंटर टंटर नहीं क्या बोल है, ठीक है रिमोट कर दिया। और भी नहीं गाइस वो ये देखो, आप उल्टा चला रहे हो, हाँ ऐसे लेके आओ। तो थोड़ा गाड़ी लेट हो गई थी क्योंकि बीच में ट्रैफिक में था, तो इस वजह से ये लोग फंस गए थे। और अभी ये लोग फाइनली पहुंच गए हैं, अन्नी फ्रेश फ्रेश होके बैठ गई है और आयांश इतना मस्ती कर रहा है, क्या बताऊँ मैं। तो आयांश से काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि आसिमा को बुलाओ बुलाओ मम्मा, आसिमा को बुलाओ या मुझे ले जाओ। तो यहाँ से तो मैं ले जा नहीं सकती थी, अन्नी फ्री थी, तो मैंने कहा कुछ दिनों के लिए आ जा, तो कुछ टाइम ये रहेगी हमारे साथ। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे पानी पूरी मंगा रखी है हस्बैंड से, क्योंकि अन्नी सफ़र से आई हुई है, तो ये लंच वगैरह मैंने इससे कर कह रही हूँ, ये लंच कर नहीं रही है क्योंकि लंबे सफ़र में होता ही है। मैं भी समझ सकती हूँ क्योंकि पहाड़ का सफ़र जब करते हैं ना
तो वॉमिटिंग वगैरह भी होती है और कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। तो मैंने अभी यहाँ पे पानी पूरी मंगा रखी है और साथ में मैंने तीखा पानी मंगा रखा है जिससे थोड़ा इसका फ्रेशनेस आ जाएगी इसे। और आयांश को देखो फोन में लगा पड़ा है। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट करके। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मिलती हूँ ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।